चीज से इसमें मेरा सब्जी हो गया है रेडी। टेस्टी पौष्टिक लड्डू अथी ला छोकर ला भाग नहीं लड्डू नहीं छिके क्या क्या है आप फिर बताइए ना एक बार। इसमें तीसी तिल माँ ने बता दी तीसी। हाँ अब बताइए क्या क्या तीसी और तिल। मेरा खाना हो गया है बन के रेडी। जा रही खाने पूरी सब्जी और ये है तो रही और उसमें चना दाल मिला हुआ है। ये रात में बना था, रात में मैंने ही खाई थी और थोड़ा बच भी गया, एक्स्ट्रा बन गया था तो वो भी ले लिया मैंने। चलिए टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म पूरी और लौकी की सब्जी खाने में मुझे कितना लगता है। कितना गर्म पूरी कुंगी बिग बॉस खाना खाते खाते बिग बॉस देखने का मतलब क्या? मुझे खाते खाते मूवी देखना, खाते खाते मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करना नहीं चाहिए। खाते हम मोबाइल नहीं चलाते। अभी हो गया आफ्टरनून में, तो टाइम कब भी जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं नहा धो के तैयार व्यार हो गई है, पानी धोने में मुझे 12 बजे है। दाल वाल बना लिया था मैंने, सब कुछ कर लिया। अभी मैं बना रही ओल की सूखी सब्जी। दाल चावल तो खाने में अच्छा लगता है। देखिए देखा जो ओल होता है तो मैंने कर लिया बॉईल। बॉईल करने के बाद छील के बस कढ़ाई में तेल, जीरा, एक लाल मिर्च छोंक दिया। जब ये फ्राई हो जाएगा बहुत अच्छे से लाल हो जाएगा बिल्कुल कुरकुर, तब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा प्याज और मसाले। ज़्यादा बॉइल होगा, हल्का बॉइल करना तो चाहिए, सब भूख हो गया मैं कुछ ज़्यादा ही जल गया। आँसू आ गए, प्याज काट लिया, प्याज कट हो गया मेरा। बस थोड़ा मसाला पीस लेती, काली मिर्च और जीरा। जल्दी फटाफट से मसाला, ये भी लगभग हो गया बिल्कुल ब्राउन ब्राउन ब्राउन। मसाला पीस लेती हूँ सिल बट्टे पर। प्याज भी भून जाएगा ना, पहले डालना ठीक से। इसमें ये स्टिकर, ये सब स्टिकर है। मैं जब नई नई आई थी मुझे लगता था ये पेंट है। मुझे काफ़ी साल है, मुझे लगता है 3 साल बाद मुझे पता चला जब ये लाया, पता चला ये स्टिकर है जब ये लाया तो लग बस। ये लाया तो मुझे पता चला
कि ओ स्टिकर सजाए देखिए नाइट बल्ब एक दो इधर भी लगा है इधर भी लगा दोनों तरफ पूरा सजाए के झालर पर यही ना पूरा ऊपर सीलन पूरा रूम में पानी भरने लगा था पहले थोड़ा थोड़ा होता था फिर पूरा जाता था। ये है अलना इसको अलना कहते हैं इसके ऊपर पहले ज़माने में कपड़ा उपड़ा रखने के लिए अभी भी माँ रखती है अपना साड़ी वगैरह डेली यूज़ वाले रखती हैं खोलती हैं। हेलो अभी हो गया रात फिर मैं आ गई हूँ किचन में लेडीज़ का तो किचन ही नहीं छोड़ता आप लोग भी क्या बोलिएगा मैं किचन में रहती हैं तो अभी रात को बनने जा रहा मेरे यहाँ ये मटर आलू मटर की सब्जी सफ़ेद वाले पहले प्लान था चाट का लेकिन सारा प्लान फेल हो गया मतलब गोलगप्पे चाट का तो गोलगप्पे नहीं मिले हुआ पापड़ी चाट बनेगा वो नहीं मिला क्योंकि दही नहीं जमा दही मैंने जमाया लेकिन नहीं जमा सारा प्लान चौपट होते चला गया कितना मन था मेरा भी खाने का ये सारा प्लान भूल गया बच्चा प्लान हुआ कि सिर्फ बनेगा मटर का सब्जी चलिए आलू आलू मैंने अलग कुकर में बॉईल कर दिए मटर चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने आलू मटर की सब्जी फिर बहुत सिंपल है मटर मैंने धोता के इसमें डाल दिया इसमें जाती बॉईल करने के लिए इसको डाल अभी इस मटर दे देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक हल्दी सीटी लगवा प्याज वगैरह काट ले थी टाइम पास नहीं करना चलिए फटाफट से प्याज आई है बालोदी को तो आप जानते ही हैं आलू हो गया नाचते रहती हूँ मैं किचन में बैठ के प्याज भी काटती आप लोगों से बातें करती हूँ और मैंने
जो वीडियो बनाया था सुबह, जो बातें आप लोगों से शेयर की थी, वो सारा वीडियो डिलीट हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैं मतलब रूम में गई थी आज, अपने रूम में जाने के बाद मैं अपने वो पुराना वाला रूम दिखाया था। वैसे तो और भी दिखाया है मैंने, बताया कि ये रूम मैंने कैसे क्या था, क्या क्या अच्छे सजाया। उस रूम में जाती मतलब पुराने दिन याद आ जाते हैं मुझे, और अपनी शादी की फ़ोटोज़ भी दिखाई थी उस वीडियो में। मैंने ब्लॉग बनाया था आफ्टरनून में, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया गलती से। आज का दिन बहुत बोरिंग है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा कुछ करने का मेरा। पहले सब्जी बना लेती फटाफट। यहाँ से देखिए मेरा पूरा किचन बहुत बड़ा है ना फ्रेंड्स। अभी मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ से लहसुन, यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है कितना बड़ा मेरा किचन है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। वैसे वीडियो में नहीं पता चलता होगा। फटाफट से लहसुन छील लेती हूँ, लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है। लोग को दिख रहा होगा ना, चढ़ा रखा है मैंने कुकर वुकर, यहाँ से समझ आ रहा होगा। वो जो स्लैब है वो छोटा सा ही उतना ही है। इधर अलमीरा है, फ्रिज है, इधर देखिए बर्तन है। मेरा पूरा किचन आज आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। चलिए आपसे बातें करते करते मेरा खाना भी बन जाता है। आज का दिन बहुत बोरिंग था, बोरिंग नहीं था, बहुत अपसेटिंग था। मतलब क्या बोलूँ ना, अच्छा मैं वीडियो बहुत क्या क्या शेयर किया था मैंने आपसे, सारा वीडियो मेरा डिलीट हो रहा। चलिए छोड़िए, अभी तो फिलहाल मेरी छोले और मटर की सब्जी की रेसिपी देख जाती हूँ, मसाला पीस लेती हूँ। जी हाँ, काली मिर्च धनिया वगैरह नहीं पीसूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो पिसा हुआ है ऑलरेडी मेरे घर पर, नहीं आ रखा हुआ। वहाँ मुंगेर में रहती थी तो पीसती थी, क्योंकि वहाँ पिसा हुआ नहीं था। तो यहाँ मैंने सिर्फ ये हरी मिर्च ली है, अदरक और लहसुन इसको पीस लेती हूँ सिलबट्टे पे। हम अपने छोले बना लेते हैं फटाफट से। छोले भी हो गए मेरे बॉयल, बना लेती हूँ प्लीज कढ़ाई में। अंधेरा आया, रोशनी अच्छे से नहीं आता यहाँ से। यहाँ से रखे फटाफट से दिखेगा, इतने इतना बड़ा स्टैंड तो है नहीं मेरे पास। तेल गर्म होता है तक। मेरा ये कढ़ाई में जाएगा, ये तो पचफोरन है जो मिला रहता है, जीरा अजवाइन ये मेथी सरसों पांच चीज़ मिला रहता है पचफोरन। एक तेज पत्ता, एक लाल मिर्च लिया है मैंने, बस तेल गर्म होता है और यही मटर का सब्जी बनाना है ना, मटर की सब्जी में तो हींग बहुत जरूरी है। हींग डालेंगे, हम लोग की भाषा में बोलते हैं बातर होता है, बातर। और बातर हम लोग नहीं समझी, हम लोग गैस वगैरह बनाते हैं। ये बताइए, इसलिए हींग दे देती हूँ चुटकी भर। एवरेस्ट का हींग तो इससे हाँ रहेगा मटर में, मटर छोले वगैरह पहले देती हूँ थोड़ा है। और ना है
मटर बॉईल किया हुआ सफेद मटर है। तो बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने क्या था, आलू भी डाल देते हैं इसके साथ। मटर में डाल, प्लान था चाट बनाने का लेकिन हम लोग का प्लान हो गया फेल। क्या करें, दही नहीं जमा। वैसे तो बिना दही के भी खा सकते हैं। गोलगप्पे चाट मस्त थी, गोलगप्पे चाट। अब ये बन गया है, इसको खाएंगे हम लोग रोटी के साथ। गोलगप्पे चाट तो नहीं खाएंगे लेकिन रोटी सब्जी जरूर खाएंगे दोस्तों। प्लान हो गया फेल गोलगप्पे चाट का। माँ बड़े शौक से बोली थी, कोई बात नहीं, गोलगप्पे चाट तो नहीं बने लेकिन रोटी सब्जी तो बनी। तो गोलगप्पे की कमी है, बाकी सब्जी वही, सब कुछ वही। मेरा सब्जी हो गया है रेडी। यम्मी यम्मी। बस फटाफट से दुख इस बात का है कि हम लोग गोलगप्पे चाट नहीं खा पाए, ना चाट खा पाए। खाएंगे सिर्फ छोले और रोटी। चलिए फ्रेंड्स बाय, फिर मिलती हूँ आपके आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, अभी तो रात हो गया है। बाय बाय। एंड मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो यूज़फुल रहा हो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय, लव यू एंड गुड नाइट।